सरकार को थोड़ी सी भी शर्म हया है कि नहीं है? इस तरह से रोज लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है, गुंडागर्दी हो रहा है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, अपराधी तांडव कर रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। सत्ता के नशे में सरकार चुप है, सत्ता के लोग बार बालाओं के साथ, सत्ता में बैठे हुए लोग माननीय विधायक बार बालाओं के साथ डांस कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में जो क्राइम है वो लगातार बढ़ रहा है। पटना का एक परिवार बीते 7 दिनों से रो रहा है। दरअसल आपको बता रहा है कि 2 भाई जो हैं वो अगवा हो चुके हैं, लेकिन अब तक नहीं मिल पाए हैं। RJD की तरफ से कवायद की गई, जगदानंद सिंह ने परिवार वालों से मुलाकात की जाकर सरकार को घेरा, लेकिन अब तक जो है वो 2 भाई अब तक मिल नहीं पाए। क्या हो रहा है मृत्युंजय तिवारी जी बिहार में? देखिए, ये बहुत ही अफसोसजनक बात है और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सरकार यहाँ हाथ पर हाथ रख कर बैठी हुई है। सत्ता के नशे में सरकार चुप है, सत्ता के लोग बार बालाओं के साथ, सत्ता में बैठे हुए लोग माननीय विधायक बार बालाओं के साथ डांस कर रहे हैं और चावल व्यवसायी नौबतपुर के 2 भाइयों का अपहरण हो गया। आज 5-6 दिन हो गए लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं। सरकार को थोड़ी सी भी शर्म हया है कि नहीं है? इस तरह से रोज लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है, गुंडागर्दी हो रहा है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, अपराधी तांडव कर रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ रख कर बैठी हुई है। ये सरकार ऐसे कैसे चलेगी? सरकार जनता को भगवान के भरोसे छोड़कर, एक सवाल है कि नीतीश कुमार कैबिनेट का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार में फुल फ्लेज में मंत्री ही नहीं है, तो क्या कारण रहा आपको लग रहा है कि कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पा रहा है? देखिए, सरकार कैबिनेट का विस्तार क्या खाक करेगी? जब यहाँ NDA में जो सत्ता में सरकार में लोग हैं, दल हैं, वो एक दूसरे को सेट करने में लगे हैं, तो कैबिनेट विस्तार की चिंता किसको है? यहाँ तो अभी देखिए ना, 2021 में नए वर्ष में कैसा कैसा नया नया खेल होगा। जो अखाड़ा होगा NDA के दलों के बीच में सबको पता चल जाएगा। कैबिनेट की बैठक भी अभी तक नहीं हो पाई है, शायद कल होने वाली है इतने लंबे अंतराल के बाद। कैबिनेट का विस्तार भी अब नहीं होगा, खरमास के बाद ही, इसके पहले कई खरमासे में सरकार गिर गई तब तो। क्योंकि सरकार भी जो है बनी है किसी तरह से, ये तो चारपाई वाला है नहीं, तो तीने टांग वाला है, तो किसी भी समय लड़खड़ा कर गिर जाएगी, चलेगी कैसे? तो इसलिए अभी बहुत कुछ देखते चलिए आगे आगे होता है क्या। तो अपराधियों का भी मनोबल बढ़ा हुआ है, सरकार उधर सरकार बचाने के गुना भाग में लगी हुई है। उस अंगणित को 125 का आंकड़ा स्थिर रहे इसके लिए सरकार परेशान है और उधर रोज जो है हत्या, बलात्कार, लूट, अपहरण हो रहा है। मृत्युंजय जी, आखिरी सवाल है मेरा कि जीतन राम मांझी ने कल एक तरह से कह सकते हैं कि नीतीश गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया है। जीतन राम मांझी की मांग है कि ठेकेदारी में आरक्षण जो है वो दिया जाए, अगर ऐसा नहीं होता है उनके मुताबिक जितने % वो मांग रहे हैं तो वो सड़कों पर दिखेंगे। NDA का हिस्सा है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को वो अल्टीमेटम दे रहे हैं, क्या हो रहा है? देखिए, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी जिस विचारधारा की राजनीति करते रहे हैं वो सबको पता है और उनको अब ये लग रहा है, महसूस हो रहा होगा कि यहाँ वो जिस वंचित, शोषित, पीड़ित, सामाजिक न्याय की बात को लालू प्रसाद जी, राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव जी जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं NDA में, तो उस लड़ाई को कमज़ोर करने का काम हो रहा है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को अब ये महसूस हो रहा है वो सरकार सत्ता के लिए नहीं, वो अपने समाज के हित के लिए, बिहार के हित के लिए काम करते हैं और उनकी सोच है, तो वो आने वाले दिनों में जब धीरे धीरे उनको पता चलेगा कि ये सरकार नाकाम रही गरीबों के हित करने में, शोषित, पीड़ित, वंचितों के हित करने में,
तो फिर अपना फैसला वो लेंगे। चलिए, ये थे आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।